क्रिस्टलोग्राफी में आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आता ही आता है, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते, ऐसा टॉपिक मिला है और वो है हमारा क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशंस। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशंस में हम दो तरीके से देखेंगे, एक है पैरामीटर सिस्टम और विस इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। या तो ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर में या 15 नंबर में क्वेश्चन आए और दोनों को डिफाइन करने को कहा जाए, या फिर 5-5 नंबर में ये दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से आए पढ़ना तो है ही है, ये टॉपिक स्किप मत करना, छोड़ना मत बिल्कुल भी, वरना बाद में बोलोगे कि सर टॉपिक आया था, आपने पढ़ाया भी था, हमने नहीं पढ़ा और रह गया। तो छोड़ना मत, स्किप मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को लेके प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो कर लेते हैं पढ़ाई। तो स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का आज के हमारे इस वीडियो में, और ये हमारे 9वें नंबर का वीडियो क्रिस्टलोग्राफी का 9th वीडियो है। ठीक है, अगर मैं नंबर गलत बोल दिया होगा तो कमेंट में शुरू मत हो जाना कि क्या सर इतना भी नहीं पता, हे हे हे, ये तो 9वें या 10वें नंबर का वीडियो है आप और आप 9वें बोल रहे हो। ठीक है, बट जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 9वें नंबर का ही है। ठीक है, अब देखो नोटेशन से क्या समझते हो कि किसी चीज़ को हम किस तरीके से दर्शा रहे हैं, किस चीज़ से दिखा रहे हैं, वही हमारे नोटेशन होते हैं। जैसे इंग्लिश के अक्षर लिखते हैं तो ये WE जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे नोटेशन है इनको दिखाने के, इन अक्षरों को दिखाने के लिए। हिंदी में आ आ ई ई वो हमारे नोटेशन है उन अक्षरों को दिखाने के लिए, यही होता है नोटेशन। तो नोटेशन का बेसिक आइडिया तुम लोगों को मैंने बता दिया, और वैसे भी तुम लोग समझदार तो हो ही, पहले से पता रहा होगा, और नहीं पता रहा होगा तो बता दिया है, वो हमारा नोटेशन। तो क्रिस्टलोग्राफी में नोटेशन कैसे हो सकती हैं, किस तरीके से दर्शाएंगे हम और किस चीज़ को दर्शाएंगे, वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशंस देखो, अब जब एक फेस होता है क्रिस्टल फेस, वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, यानी कट करता है उनको अलग अलग जगह पे। ठीक है, और उस कट उन कट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन मेथड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशंस। हम दो तरह के मेथड सीखेंगे, पहला है पैरामीटर सिस्टम ऑफ विस, दूसरा है इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर। ठीक है, दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, एग्ज़ाम में ये आता है और ज़रूर ज़रूर आता है, तो तुम भी ज़रूर ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर सिस्टम ऑफ विस। विस कोई हमारे रिसर्चर रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये सिस्टम दिया होगा कि भाई ऐसा ऐसे करो, सबका प्रदर्शित करा होगा, और तो फिर सबने को अच्छा लगा, सबने मान लिया कि जी हाँ हम ऐसे ही करेंगे, और इसका नाम पड़ गया पैरामीटर सिस्टम ऑफ विस, या जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, मुझे लगता है विस ही प्रोनाउंस करते होंगे। देखो अब समझते हैं इस मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल फेस आर रिटन विद द नोटेशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जो हमारे पैरामीटर जो है क्रिस्टल फेस के, उसको हम लिखते हैं किसके साथ, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ में। जैसे कि इसका एग्जांपल सीधा सीधा ये है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, अभी मैं दिखा दूंगा। जैसे हमारा एक फेस है जो ए एक्सिस को कट करता है यूनिट डिस्टेंस पर, यानी 1 की डिस्टेंस पे, बी एक्सिस को कट करता है 2 की डिस्टेंस में, और एंड लाइज पैरेलल टू सी, वो सी के हमारे पैरेलल लाई करता है। तो जो नोटेशन होगी उसके लिए वो होगी ए 1A 2B इनफिनाइट सी। तो इसमें क्या हमने क्या करा, उस डिस्टेंस को लिख दिया क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ। तो ये हमारा क्या सिस्टम हो गया, ये हो गया हमारा पैरामीटर सिस्टम ऑफ विस। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस नाम नहीं दिया था उसको, हमने इन जनरल पढ़ा था। तो यही हो गया हमारा पैरामीटर सिस्टम ऑफ विस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो हमने पिछली वीडियो में दिया था वो ये है कि वो ए एक्सिस को 3 डिस्टेंस पर काट रहा होता है, बी एक्सिस को 3 डिस्टेंस पर काट रहा होता है, और सी एक्सिस को भी 2 डिस्टेंस पर काट रहा होता है। तो 3A 3B और 2C, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में करा था। ठीक, अब आते हैं हम इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर पे। अब देखो इंडेक्स सिस्टम ऑफ मिलर पे क्या था, तो जो भी था वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।